रिसेंटली एथर ने यह अनाउंस किया था कि वो आपके लिए एक न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है एथर 450S। इससे कुछ हफ्ते पहले की अगर बात करें तो ओला ने भी यह अनाउंस किया था कि ओला S1 की डिलीवरी शुरू हो जाएगी जुलाई मंथ से। तो अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों में से बेटर है, तो आपको आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सबसे पहले। तो वेलकम टू ऑटो इन्फो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज के बारे में। तो ओला S1 एयर में आपको 125 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है, और अगर हम लोग बात करें एथर 450S की तो यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर करेगी 115 किलोमीटर की रेंज। अब रेंज के बाद इन स्कूटर्स का टॉप स्पीड क्या है ये भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर एथर 450S में आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाएगी, जबकि यहाँ पर अगर बात करें ओला S1 एयर की तो यहाँ पर आपको टॉप स्पीड मिल जाती है 85 किलोमीटर पर आवर की। अभी जो एथर एनर्जी ने एक पोस्ट शेयर किया था वहाँ पर स्कूटर की सिर्फ रेंज और टॉप स्पीड डिस्क्लोज की गई है, बाकी यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिकेशंस अभी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, मैं आपको ओला S1 एयर की फीचर्स के बारे में जरूर बताऊंगा, जिससे आप आने वाले समय में इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपैरिजन खुद कर पाएंगे। तो ओला S1 एयर में आपको 3 किलोवाट आवर का एक बैटरी पैक देखने को मिल जाती है। मोटर की अगर बात करें तो 4.5 किलोवाट की पीक पावर यह स्कूटर जनरेट करती है। प्राइस की अगर बात करें तो ओला S1 एयर का प्राइस है 1,09,999 रुपीज। ये अपडेटेड प्राइस है फेम 2 सब्सिडी रिवाइज होने के बाद। वहीं पर अगर बात करें एथर 450S की तो इसका जो प्राइस है 1,29,999 रुपीज से शुरू हो जाती है। ओला S1 एयर की बात करें तो अभी कंपनी सिर्फ एक वेरिएंट लेकर आ रही है जो कि 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला है। इससे पहले फरवरी 2023 में कंपनी ये अनाउंस किया था कि वो ओला S1 एयर के 3 वेरिएंट लेकर आएंगे, जिसमें 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर और 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलेगा। लेकिन जब फेम 2 सब्सिडी रिवाइज हुई तो कंपनी ने एक ही वेरिएंट निकालना सही समझा। अभी ओला S1 एयर की सिर्फ 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वेरिएंट ही आपको मिलेगा, और जिन लोगों ने 2.5 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक वाला वेरिएंट बुक किया था उनको भी अब कंपनी 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला वेरिएंट ही प्रोवाइड करेगी। उधर एथर की अगर बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले ही एथर 450 प्लस मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जिसके बाद अभी कंपनी लेकर आ रही है एथर 450S को। तो आपके इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 एयर और एथर 450S, इन दोनों स्कूटर्स को लेकर क्या राय है कमेंट पर जरूर बताइए। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।